मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए सहरसा के लिए किया, एक काम आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए क्या काम किया। अब देखिए यहाँ के सांसद जो है हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब नौजवान के हाथ में सौंपना पड़ेगा। अब बुजुर्ग है, उम्र हो गया, मुझसे चलने वाला नहीं है। देखिए हमारे चाचा पलट गए, मुकेश साहनी जी भाषण दे रहे थे, मुकेश जी बोले कि बीजेपी वाला इनका विधायक खरीद लिया, हम बोले थे मेरा चाचा को हाईजैक कर लिया, मतलब सीएमए का हाईजैक कर लिया, इनका तो विधायक कर दा, हमारा सीएमए उठा के ले गया। तो देखो हम 17 महीने रहे, हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख और अभी बाली निकलना था, अभी प्रक्रिया धीर है, 3 लाख और नौकरी, 3 लाख और, वो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार जल्द से जल्द जो हम फाइल करके आए उसको तुरंत रिलीज करे, बाली का अनाउंसमेंट करे, ताकि हमारे 3 लाख और नौजवान भाई को बिहार में सरकारी नौकरी मिल सके। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, 17 महीने में जो काम किया, नौकरी तो दिया ही, हम लोगों ने जाति आधारित गिरना कराया, आरक्षण की सीमा को 75% किया, जितनी आंगनबाड़ी थी हमारी बहने, जितने स्वयं सहायता समूह थे, विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया, आईटी पॉलिसी से लेकर के स्पोर्ट्स पॉलिसी तक हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, वादा किया था हमने जितने नियोजित शिक्षक है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे जब हम सरकार में आएंगे, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग, मेरे ही कैबिनेट में ना सहरसा मेडिकल कॉलेज खुला, हम ही लोग कैबिनेट में करवाए, मिला कि नहीं मिला पता कौन दिया, हम दिए, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मधेपुरा हो गया था, पूर्णिया हो गया था, सुपौल हो गया था, सहरसा छूटा हुआ था मेडिकल कॉलेज, तेजस्वी मंत्री बनते ही सहरसा को मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देने का काम किया। काम कर रहे थे चंद्रशेखर जी मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा बहाली निकाल करके लाए, 2 लाख 3 लाख लोगों को हम लोगों ने बहाली दिया, बार बार बोलते जल्दी निकाल के, जल्दी निकालिए, और जल्दी हम लोगों ने नियमावली बना करके निकालने का काम किया। अभी तो हम लोग ला रहे थे, क्या क्या ला रहे थे आपको बोले थे कि 100 को बच्चा को चुनिए पर लो को, बिहार का 100 बच्चा टॉपर को चुनिए और विदेश उसका पढ़ाई के लिए हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, ताकि विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख लेगा, ऐसे 100 बच्चों को हम लोग भेजना जा रहे थे विदेश, जो पढ़ के आता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, सब लोग जाता वहां पढ़ाई करके आता। लेकिन ये सब योजना चाचा जी पलट गए तो रुक गया, और लोग तो 17 महीना रहे भाई। अब देखिए 5 साल हम लोगों को मौका दीजिए, 5 साल इंडिया अलायंस का अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए, ये परिवर्तन पत्र है, राहुल जी, लालू जी, केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन साहब, हम लोग सब लोग, वो की सरकार विपक्ष की बनेगी देश में, तो आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितना नौकरी देंगे मोदी जी, कितना बोले? ना ना, वो तो बोले थे 14 में, अभी क्या बोल रहे, अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, बताओ रे भाई। अरे हमको प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई वाली सरकार दे,
लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे कुछ नहीं पता। 14 में बोले थे भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार देगा, मोदी आएगा तो 50-50 लाख रुपए खाते में देगा, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ अच्छे दिन क्या आ गए रे भाई। तो 19 में बुला करके फिर बोले भाई बहनों मोदी आएगा तो किसान का हाथ दुगुना कर देगा, सबसे पक्का मकान बना देगा, महंगाई के खत्म कर देगा। अब महंगाई टाइम नहीं नजर आ रही, उनकी महबूबा हो गई है, कितना गैस सिलेंडर बढ़ गया। तो ये अब बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी, खाली हिंदू और मुसलमान झगड़ा लगाने की बातों में बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, राहुल जी क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ देश भर में सरकारी नौकरी देंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और क्या, 200 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट फ्री में बिजली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग देने जा रहे हैं, विशेष पैकेज देने जा रहे हैं। देखो लालू जी रेल मंत्री थे तो रेलवे का कारखाना मधेपुरा दिए गिरे दिए, आप बताओ 10 साल में कौन सा कारखाना कोयला ला के दिया रे, जो दिया लालू जी दिए है कि नहीं। तो सब लोग गोल बंद रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग सब लोग 10 फसल का MSP हम लोग देंगे अभी 10 फसल का, ताकि किसान भाई लोग का अभी कटनी चल रहा है, सही दाम नहीं मिलता, सरकार खरीदती नहीं है तो पूरा दाम नहीं देती है, और है भी तो MSP 2 फसल पे है। हम लोग आएंगे तो 10 फसल का MSP हम लोग दिलाने का काम करेंगे। 5 नया हवाई अड्डा हम लोग बिहार में बनवाएंगे, स्पेशल पैकेज के तहत 1,60,000 करोड़ बिहार को मिलेगा, यानी एक संसदीय लोकसभा संसदीय क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा, ताकि आपका गांव आपका पंचायत का विकास हो सके। तो हम लोग ज्यादा कुछ करने नहीं आए। और इसमें क्या है भाई, आने वाला जो रक्षाबंधन होगा, गरीब परिवार की हमार बहन को साल में 1 बार 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। रक्षाबंधन जो रक्षाबंधन होगा, सरकार बनाओ जून में, और आने वाला रक्षाबंधन को हर बहन को हम लोग जो है देने का काम करेंगे 1 लाख रुपया सालाना। और नौजवानों को, सभी लोगों को पूरे देश भर में हम लोग जो 1 करोड़ नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पुराना जैसे सेना में बहाली चलता था, वही बहाली आप लोगों को उसी हिसाब से दिलाया जाएगा। अग्निवीर योजना में आप लोग जानते हैं क्या है, 4 साल में आपको बाहर कर देगा, 18 साल में ज्वाइन कीजिए, अब 22 साल में रिटायर हो जाइए। मुझो नहीं आएगा कि रिटायर करना देगा, ब्याह भी नहीं हुआ होगा कि रिटायर हो जाएगा, और 2 साल तो ट्रेनिंग में चला जाएगा। तो अब शहीद कोई होगा तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है। पेंशन जो मिलता था जवानों को, पेंशन नहीं है अग्निवीर में। आर्मी के कैंटीन की सुविधा था, अग्निवीर योजना से जो आएगा उसको कैंटीन का भी सुविधा नहीं है। इसलिए इसको अग्निवीर योजना को हम लोग समाप्त करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी, और हमारे हम लोग करने जा रहे जितने अर्ध सैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको भी जो है शहीद का दर्जा नहीं है, उनको भी हम लोग शहीद का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कहेंगे, चुपचाप, जोर से बोलिए चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। संदीप जी को विजय कमाना पहना दिया जाए, और दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सहरसा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।